नगर निगम शिमला के सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस पार्टी जी जान से जुट गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव प्रचार की कमान संभालते नजर आए। उन्होंने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन शहर में धुआंधार किया प्रचार और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील की। मुख्यमंत्री ने शहर के 8 वार्डों में नुक्कड़ सभाएं कर कांग्रेस उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनाव प्रचार की शुरुआत वार्ड नंबर 8 बालूगंज से की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार दिलीप थापा के लिए वोट आम जन जरूर करें, अपील करते नजर आए हैं। आगे बढ़ नहीं सकते, हमने 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर वाटर सेस लगाया। वाटर सेस क्या है? वो पानी पर नहीं लगा, जिससे बिजली चलेगी, जो बिजली के लिए पानी खर्च होगा उस पर सेस लगा। उसमें पंजाब के और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इतराज जताया, हम उनसे मिले। दिल्ली में हम पावर मिनिस्टर से मिले, उन्होंने कहा ये हमारा अधिकार है, हमारी नदियां जो है वो उसमें बहता हुआ पानी हमारा सोना है, इसलिए उस दृष्टिकोण से हमने इस कार्य को किया। और आज हमें खुशी इस बात की कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने ये आपको कहा, हमारी अर्थव्यवस्था को रास्ते पे लाने के लिए 4 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, क्योंकि हमने अपने पहला बजट कई लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, और आने वाले अगर हमने अपने फैसले किए तो 10 साल में हिमाचल प्रदेश जो है हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा, समृद्धशाली राज्य।